कैसी लगी योगी जी की सरकार? बिल्कुल फेल। क्या किस किस मामलों में फेल रही सरकार? मतलब हर जगह फेल है। डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, लेकिन दोनों इंजन फेल हैं। एक नहीं, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। डबल इंजन की सरकार और दोनों इंजन फेल। दोनों इंजन जब फेल होंगे तो फिर डिब्बा कहाँ से चलेगा? इंडिया तो डिब्बा के, इंडिया का लोग तो डिब्बा के रूप में, डबल इंजन दोनों फेल हो चुके हैं अपनी जगह पर। दोनों फेल हैं, यहाँ योगी जी फेल हैं, केंद्र में मोदी जी फेल हैं। वो तो केंद्र की अगर बातचीत किया जाए तो उन्होंने तो बहुत सारे काम कर दिए, धारा 370 हटा दिए, राम जन्मभूमि की बातचीत की जा रही थी, राम जन्मभूमि ले ली उन्होंने, अब कृष्ण जन्मभूमि लेंगे, फिर इसके बाद और भूमि टटोर लेंगे। भूमि तो बहुत है इंडिया के अंदर, एक भूमि थोड़ा ही है। जगह जगह राम है, जगह जगह भगवान है, हर गांव में भगवान है, हर गांव में राम है, एक न एक राम को लेते ही रहेंगे। इससे क्या मिलेगा? आम जनता आज इस इतनी स्थिति में पहुंच चुकी है कि भूखे की कगार में है। मध्यम और गरीब वर्ग दोनों पिसते जा रहे हैं। इंडिया की जो भी इकोनॉमी है वो कुछ लोगों पर आधारित हो चुकी है। तो इस कंडीशन में जब मध्यम और निम्न वर्ग पिसेगा तो क्या स्थिति होगी बताओ? आप ही बताइए क्या स्थिति होगी उसमें? जनता क्या सहयोग देगी? आपसे पूछना चाहता हूँ, कितना देगी सहयोग? आम जनता ज्यादा है या पूंजीपति ज्यादा है? आम जनता ज्यादा। आम जनता ज्यादा। आम जनता की थाली में से इस समय यानी सब्जी हट चुकी है, चटनी बाकी रही है। अब आप उसे भी हटाओगे तो क्या रूखी रोटी खाएंगे वो? इसीलिए तो सरकार राशन दे रही है, इसीलिए तो डबल इंजन की फेल है। यही कंडीशन है डबल इंजन फेल होने की। राशन देंगे, एक किलो दाल से आपका घर चल जाएगा एक महीने के लिए। एक किलो रिफाइंड आप कितने उसमें छोंक लगाओगे? क्या बनाओ, क्या बना के खाओगे? और नून कितना होगा, नमक बताइए आप। इसके बाद मसाले की, इसके बाद मसाले की जरूरत नहीं है, वो कहाँ से आएगा? कुछ आप कर लेंगे, कुछ सरकार कर लेगी। लोगों से बातचीत करता हूँ तो कहते हैं हाँ, यही यही कंडीशन से सबको सरकार नहीं दे रही है, लेकिन सरकार वो चीज दे जो जिससे कि आम जनता का पेट पल सके। रोजगार खत्म कर दिए। चलिए, चुनाव का समय है, सारे कैंडिडेट आप लाई है। रोजगार उन्होंने खत्म कर दिए। रोजगार कहाँ है बताइए? कितने आदमियों को रोजगार दिया, कितने बच्चों को? आप इंडिया में एक फेसबुक पे ये हुआ था, रोजगार दो रोजगार दो रोजगार दो, इसके बाद इन्होंने वैकेंसी क्लियरेंस करी। कहाँ किया है इन्होंने काम बताओ? वो बताइए धरातल पर किससे काम है? यानी हमारे जिस मुख्यमंत्री ने, अखिलेश जी ने वो चलाई थी योजना, वो थी कि गरीब आदमी या कोई मध्यम वर्ग का किसी के बच्चा होता है, किसी को कोई बीमार है तो उसे हॉस्पिटल गाड़ी ले जाएगी और लाएगी। तो ये वो कहाँ है? बहुत सारी योजना लेकर आए, बताओ ना आप एक बताओ। आयुष्मान कार्ड बनवा दिए, उसके बाद आयुष्मान कार्ड कहाँ है? जाते वहाँ कोई एडमिट नहीं करता है मरीज को। क्या होगा उसका बताओ? एक नंबर, धरातल पर कोई स्कीम है नहीं। दूसरा नंबर, जो भी योजनाएं थी वो पिछली भी योजनाएं बंद कर दी। आखिर आदमी करेगा क्या फिर? इस सरकार में नया काम क्या देखा आपने? नया काम कौन सी में, कौन सी में? योगी जी की सरकार केवल बकवासबाजी, केवल। और दूसरा, किसान की ड्यूटी इन्होंने 24 आवर्स लगा दी है। ये काम तो इन्होंने किया है, किसान का 2400 घंटे का ड्यूटी लगा दी है कि वो अपने खेत को, बच्चों को नहीं देखे, खेत पर रहे, गाय बेजार जो भी आवारा पशु हैं वो उसे खाते रहेंगे, उसे रोकता रहेगा। और बोलो, तो आपकी नजरों में योगी सरकार फेले या पास है? मैंने कब पहले कहा था आपसे, बताइए क्या कहा था? नहीं, आपने सब कुछ गिनवा दिया, लेकिन ओवरऑल तो फिर भी, क्योंकि लोगों के दो तरीके का मन होते हैं, सब कुछ गिनवा देते लेकिन फिर भी कहते हैं कि आएगा तो योगी ही। तो मैं वही जानकारी, ये तो धारणा बदलनी पड़ेगी आपको। आएगा योगी कहाँ से आएगा? यदि प्रजातंत्र है तो प्रजा जिसे चाहेगी वो आएगा। प्रजा चाह रही आज डबल इंजन को खत्म करके और सिंगल इंजन में उठाना चाहती है यूपी में। तो अभी दूसरे इंजन का तो बात, हाँ हाँ वही तो अखिलेश के समर्थन में है और गठबंधन के समर्थन में, गठबंधन अलायंस पूरी तरह से यानी सपोर्टेड है और वही शासन पे आएगा। अखिलेश यादव के कौन से ऐसे काम हैं जो आप समर्थन करना चाहते हैं? कौन से नहीं है ये बताओ आप। वो तो कह रहे हैं कि योगी जी से लेकर के अमित शाह जी कहते हैं कि उनके राज में जो है गुंडा माफिया खुलेआम घूमते थे, सब कुछ होता था, आज गुंडो माफियाओं का सफाया हो गया है। कहाँ कहाँ बताइए, दरवाजे खुले पड़े हैं कहाँ कहाँ बताओ, कौन सी जगह बताइए आप, बोलिए ना। नहीं, आपके क्षेत्र में उसे कुछ प्रभाव पड़ा है कि नहीं, गुंडा माफिया मतलब? हाँ, एक महीने पहले चोरी हुई है कि भैंस, तो उसे कौन ले गया? तो गुंडा माफिया खत्म है तो वो भैंस कहाँ चली गई बताओ? गाय घूम रही है यहाँ, तो खेतों को रखाते हुए
परेशान है पूरी तरह से। आपकी नजरों से जो है आपका जो गणित कह रहा है कि मतलब गठबंधन की जो है गठबंधन की सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत में बनेगी। चलिए।